May this new year be delightful and auspicious for to all of you, my dear friends. Happy New Year! मौसम में जिस अंदाज में सर्दी बढ़ती जा रही है, सूबे में उसी अंदाज में सियासत भी गर्म होती जा रही है। जो हालात बने हैं उनमें सबको लग रहा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव बड़ा ही रोचक होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव को पारदर्शी निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले से ही बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। अधिसूचना तो अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक अफसरों की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने शनिवार को पुलिस और वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों के साथ एफसीआई गोदाम कैंपस का निरीक्षण किया। यहां विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 2 विधानसभा सीटों की पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाना है। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलवाई के अलावा एडीएम प्रशासन पीपी सिंह, एडीएम एफआर बीके गुप्ता, एसपी ट्रैफिक हफीजुर रहमान, ईओ नगरपालिका प्रशासन दिनेश कुमार विश्वकर्मा सहित चुनाव ड्यूटी से जुड़े कई वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि तैयारियां चल रही हैं, निरीक्षण में हर जरूरी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। आज एफसीआई की कैंपस का निरीक्षण किया गया। आप जानते ही हैं कि विगत चुनाव में भी एफसीआई कैंपस का उपयोग चुनाव में ईवीएम को रखने के लिए और पोलिंग पार्टी जब आएगी तो उसको रिसीव करने के लिए, ईवीएम प्राप्त करने के लिए, मतदान सामग्री प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी क्रम में अधिकारी यहाँ, क्योंकि काफी संख्या में ट्रक्स, छोटे वाहन सब आएगी, जो व्यवस्था उपलब्ध है उसको देखा जा रहा है। इसके बाद समस्त उपलब्ध भवनों को देखने के उपरांत आकलन करके लिया जाएगा। May this new year be delightful and auspicious for to all of you, my dear friends. हैप्पी न्यू ईयर। समस्त आजमगढ़ के जनपद वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नव वर्ष मंगलमय हो और मैं ऊपर वाला से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो और अपने परिवार के साथ सुखी रहे, यही मेरी शुभकामना है। वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जनपद वासियों को नए वर्ष के शुभ आगमन पर बहुत बहुत बधाई है। नव वर्ष उनके लिए मंगलमय हो, उनकी अच्छाई का सौगात लाए। उम्मीद करूंगा आप लोग सफलता की नई शिखर पर चुनेंगे। मैं सभी जनपद वासियों के, सभी वर्गों के, सभी लोगों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं कि नया वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, सबको स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करे। आखिरकार मात्र 20 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व राम गोपाल यादव का निष्कासन रद्द कर दिया गया। दोनों नेताओं का निष्कासन खत्म करने की घोषणा उन शिवपाल यादव ने की जो शनिवार को दिनभर अखिलेश समर्थकों के निशाने पर रहे। अखिलेश यादव का निष्कासन रद्द होने से पहले सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में अखिलेश समर्थकों ने जमकर विरोध दर्ज कराया। सपा नेता कृष्णानंद यादव, अमित यादव, आदर्श सिंह शिशुपाल, आशीर्वाद यादव, राजेश गिरी, अशोक यादव व शिवम सिंह सहित बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। समर्थकों ने अखिलेश यादव के समर्थन व प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव के साथ ही राज्यसभा सांसद अमर सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला फूंका।
इस दौरान युवा कार्यकर्ता अशोक यादव ने कहा कि शिवपाल यादव व अमर सिंह ने नेताजी को गुमराह करके मुख्यमंत्री को निष्कासित कराया है, उनका निष्कासन खत्म होना चाहिए। कि मुख्यमंत्री कल पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है तो इसके खिलाफ पूरा युवा समाज जो सड़क पे उतर गया है और हम लोग यहाँ पे करीब 250-300 की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन में यहाँ पे सड़क पे नारे लगा रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी के लिए हर कदम तक हर स्तर तक लड़ने के लिए उतारू हैं। ये मुख्यमंत्री के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। मुख्यमंत्री जो है माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ विकास की बात करते हैं। May this new year be delightful and auspicious for to all of you, my dear friends. Happy New Year! समस्त नगरवासियों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए यह इच्छा करता हूं कि इस नगर के हमारे प्रत्येक व्यक्ति के घर में यह नया वर्ष समृद्धि, खुशी और विकास लेकर के आवे और हर घर एक एक पल विकास के तरफ और अपने मंजिल के तरफ आगे बढ़ता रहे। कहीं भी कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और कोई भी ऐसी चीज न हो जिससे कि हमारे नगर का सम्मान घटे। और इसी के साथ एक बार पुनः समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। 2017 का शुभारंभ हो रहा है हम सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए, नगरवासियों के लिए, और मंगलमय और सुखकारी और यशस्वी समय लेके आवे। और सब लोग एक दूसरे से भेदभाव न करें, एक दूसरे के साथ रहें। आजमगढ़ के समस्त नागरिकों कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। वर्ष 2017 उनके लिए सुख समृद्धि और शांति लेकर आए। अंत में जनपद के समस्त नागरिकों कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामना। वर्ष 2017 उनके लिए शुभ हो। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं लाइफलाइन परिवार की तरफ से। ये नया वर्ष जो कि एक बहुत ही दृढ़ संदेश के साथ आ रहा है इस नोटबंदी के कारण, एक भ्रष्टाचार मुक्त देश हम लोग बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग अपने प्रधानमंत्री की इस पहल में हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हर समस्या जो कि आ रही है हम उसको फिर से उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में हम लोग एक बार एक थर्सडे को व्रत रखा था पूरे एक साल देश ने, हम इस बार फिर से इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए उस तरीके का एक संकल्प लेते हुए हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस नए वर्ष में कदम रखेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अजब हाल है इस शहर का, कहीं ईंटें लगाई जा रही हैं तो कहीं ईंटें उखाड़ी जा रही हैं। सही हो रहा है या गलत हो रहा है इससे न तो साहब को मतलब है न ही ठेकेदार साहब को। आजकल आजमगढ़ शहर में हो रही तोड़फोड़ और जोड़ जरूरी नहीं कि विकास कार्य का ही हिस्सा हो। हकीकत का आईना देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि नगरपालिका आजमगढ़ कैसे कैसे और कैसा कैसा विकास कर रहा है। देखिए, शहरी क्षेत्र के हाइडिल तिराहे से राहुल प्रेक्षागृह के बीच जाने वाली सड़क से इंटरलॉकिंग उखाड़ी जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां नगरीय सुधार योजना के तहत पैसा आया था तो नगरपालिका प्रशासन ने कुल 19 लाख रुपया धड़ाधड़ पास कर दिया। इसी बीच यह सड़क लखनऊ बलिया चौड़ीकरण की जद में आ गई। पूर्व में निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने यहां इंटरलॉकिंग रोकने का निर्देश भी दे दिया था, लेकिन ठेकेदार और नगरपालिका प्रशासन के लोगों ने रातोंरात इंटरलॉकिंग करा दी। अब जांच हुई तो मामला उजागर हुआ। आखिरकार जिलाधिकारी सुहास एलवाई के सख्त निर्देश पर 3 दिन के भीतर नगरपालिका प्रशासन द्वारा इंटरलॉकिंग उखाड़ने का काम जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि डीएम का आदेश था कि 3 दिन के भीतर इंटरलॉकिंग उखड़वा दी जाए।
इस पूरे प्रकरण के बाबत एबीसी चैनल ने बात की नगरपालिका प्रशासन आजमगढ़ के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा से। उन्होंने पूरा मामला भी बताया और स्वीकार किया कि हाँ आदेश मिला है और हम लोग इंटरलॉकिंग उखड़वा रहे हैं। नगरी सड़क सुधार योजना के अंतर्गत नगर विकास से धन स्वीकृति हुई थी। मोहल्ला सिधारी में मऊ बाईपास पर शंकर जी की मूर्ति से प्रेक्षागृह के दक्षिणी दीवार महेंद्र के घर तक सड़क के दाहिनी तरफ इंटरलॉकिंग कार्य शासन से स्वीकृत हुई थी। कार्य स्वीकृति दिनांक है शासनादेश संख्या 679/5/2014 को है। कार्य की लागत लगभग 19,96,699 रुपये और प्रस्तुत देयक जो बिल था वो 11/4/2016 को तुमसे दिया गया था जेई साहब के द्वारा, जिस पर तुमसे एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी ने भी रिकमेंड कर दिया था, उसमें जेई एक्सीएल पीडब्ल्यूडी 5 और प्लस तुमसे एसडीएम साहब ने अपना स्थलीय निरीक्षण करके रिपोर्ट भी लगाया था और पीडब्ल्यू द्वारा इंटरलॉकिंग ईट को हटवाने हैं तो दिनांक 19/11/2016 को पत्र जारी किए ईओ साहब ने। उन्होंने 3 दिन के अंदर इंटरलॉकिंग, चूंकि वो चौड़ीकरण के अंतर्गत आ गया है, इंटरलॉकिंग लगने के बाद वो चौड़ीकरण के अंतर्गत आ गया है तो उन्हीं के आदेश पर उनसे हमारे द्वारा हटवाया जा रहा है। May this new year be delightful and auspicious for to all of you, my dear friends. Happy New Year! सरोदय गुरुकाप एजुकेशन एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश के सभी प्रबंधकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने विद्यालय के तरफ से जनपद के सभी अभिभावक और प्यारे बच्चों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 2017 जनपद वासियों, प्रदेशवासियों और प्यारे बच्चों को नई खुशियां दे। अपने परिवार की तरफ से अपने जनपदवासियों को नए वर्ष 2017 की हार्दिक शुभकामना देता हूं तथा यह उम्मीद करता हूं कि हमारा अगला वर्ष इतना अच्छा होगा कि विश्व में हम महाशक्ति के रूप में उभरेंगे। और हम ये अनुरोध अपनी तरफ से करते हैं कि हमारे जनपदवासी जो अच्छे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जिसमें नोटबंदी भी शामिल है, उसमें मदद करें। मैं पुनः अपने जनपदवासियों को नव वर्ष 2017 की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर की तरफ से सभी नगरवासियों को नव वर्ष की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका यह नया साल खुशियों से भरा हो, आपके सभी स्वप्न पूरे हों इस साल में, और इस नए साल के अवसर पर हम अपनी तरफ से भी इस शहर को कुछ नई सौगातें देने जा रहे हैं, जिसमें हमने अब न्यूरो सर्जरी विभाग शुरू कर दिया है नए साल से, और एक लेजर द्वारा बिना ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी तोड़ने वाली मशीन भी आजमगढ़ शहर की पहली रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर ले आया है। और नए साल से ये दोनों सुविधाएं हम अपने नगरवासियों को देने लगेंगे। और एक बार पुनः रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से मेरे प्यारे नगरवासियों को नव वर्ष की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष के अवसर पर अपने समस्त जनपदवासियों को, सभी डॉक्टर बंधुओं को, मैं इस अवसर पर अपने रोटरी बंधुओं को एवं ग्रैंड लॉज के सदस्यों को और आईएमए के सभी मेंबर्स को, साथ ही साथ जनपद के सभी वासियों को हार्दिक शुभकामना बधाई।
जनपद की बड़ी विकास परियोजनाओं में शामिल कृषि विश्वविद्यालय कैंपस कोटवा का निर्माण लगभग पूरा होने को है। शनिवार को जिलाधिकारी सुहास एलवाई प्रशासनिक अफसरों के लाव लश्कर के साथ अचानक निरीक्षण अभियान पर निकले तो यहां भी पहुंच गए। जिलाधिकारी श्री एलवाई ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर और विभागीय अफसरों को निर्देश भी दिया कि काम जल्द से जल्द पूरा करा लिया जाए। यहां विधानसभा चुनाव में पोलिंग पार्टियों के रवाना होने की व्यवस्था के मद्देनजर भी निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के बाबत विस्तार से जानकारी दी। यहाँ कृषि विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है, लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आप जानते ही है कि कुछ ही दिनों बाद सामान्य विधानसभा निर्वाचन की आचार संहिता लगने वाली है। इसमें पोलिंग पार्टियां मूव होगी आईटीआई से और चंडेसर के डेंटल कॉलेज से, और उसके बाद हमें जगह भी चाहिए काउंटिंग कराने के लिए। और पोलिंग पार्टी जब आएगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समस्त मतदान सामग्री प्राप्त करने के लिए, यहाँ काउंटिंग और मतदान सामग्री प्राप्त करने वाली स्थल ये आज देखा गया है, काफी उपयुक्त पाया गया है। कुछ फिनिशिंग कार्य रांची निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है, तो अधिकारी और गहनता से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि काफी संख्या में बड़े वाहन, छोटे वाहन, कर्मचारी, फोर्स के लोग आएंगे, तो हर तरह से यहाँ काफी विधानसभा के लिए उपयुक्त पाया गया है। तो हमें उम्मीद है कि विधानसभा निर्वाचन सकुशल तरीके से जो ऐसे यहाँ आजमगढ़ में अच्छे अच्छे जगह उपलब्ध है कराने के लिए अधिकारियों के सब सहयोग से अच्छी तरह संपन्न हो। May this new year be delightful and auspicious for to all of you, my dear friends. Happy New Year! मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत पूरे आवाम को मुबारकबाद हो। नए साल जो है बहुत सारी खुशियाँ लेके आए हर इंसान की जिंदगी में। जो बीत गया वो कल गया, जो आज आए वो बहुत अच्छा आए। और हम सभी मिलकर ये दुआ मांगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो, तरक्की का हो, उन्नति का हो। अपने समस्त सम्मानित ग्राम वासियों, जनपद वासियों, जिले के सभी प्रधान भाइयों बहनों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आने वाला नया वर्ष सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। पुनः मेरे तरफ से सभी जनपद वासियों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी नगर वासियों को हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बीते वर्ष में हम सभी ने कुछ अच्छे बुरे अनुभव किए होंगे, कुछ बुराइयों को सहा होगा और कुछ बुरे पलों को सहा होगा, परंतु इसके साथ कुछ अच्छी यादें भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। परंतु इन सारी बीती बातों को अपने मन में सजोते हुए हम ये कामना करते हैं कि आप सभी लोग नव वर्ष का पूरी गर्म जोशी से स्वागत करें। हमारी ईश्वर से इस नव वर्ष के यही कामना है कि आप सभी लोगों को अपार खुशियां और ढेर सारी ऊर्जा दे, ताकि यह नया वर्ष आपके जीवन में सफलता और खुशियों का एक संचार लाए। हम चाहते हैं कि जो हमारा आने वाला 2017 है उन परेशानियों से मुक्ति दे। मैं सबके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए 2017 नव वर्ष का स्वागत करता हूँ। एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ विदाई का गम, लेकिन पुरस्कारों की बहार ने ये सारे गम भुला दिए। रंग महोत्सव के समापन समारोह में भव्य कार्यक्रमों के बीच पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुनर रंग महोत्सव का समापन हुआ। हुनर संस्थान द्वारा आयोजित इस समारोह में 5 दिनों में 40 दलों के लगभग 1000 से ज्यादा कलाकारों ने 15 नाटक व 300 से ऊपर नृत्यों की प्रस्तुति दी। रंग महोत्सव के अंतिम दिन सम्मान समारोह के बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का जो दौर शुरू हुआ तो देर रात तक चलता रहा। इस दौरान स्थानीय और बाहर से आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का जमकर प्रदर्शन किया।
जिनके वजह से हम लोग यहाँ पर आजादी से जी रहे हैं और सांसें ले रहे हैं, या फिर यूं कहें कि जिनके वजह से हम आजाद हैं, वो सीमा पर कितनी कठिनाइयां उठा करके हमारे लिए खून जमा देने वाली ठंडी में भी तैनात है, वो हाथों में हथियारे उठाए होते हैं, उन्हें भी ये पता नहीं होता कि उन्हें कब गोली लग जाए, पर इस डर को हराते हुए अपना घर परिवार यार दोस्त भाई सब छोड़कर वो सीमा पर तैनात होते हैं। तो दोस्तों मेरा सवाल ये है कि क्या बात नहीं होते सीमाओं पे, लोग और घर बार नहीं होते? अरे होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार है, और दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले वो ये सोचते हैं कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है, और उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई? अरे आप और हम सब इसलिए खुशहाल है कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार है, कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार है। May this new year be delightful and auspicious for to all of you, my dear friends. Happy New Year! मैं नव वर्ष के इस शुभ अवसर पर समस्त नगरवासियों को हार्दिक बधाइयां देता हूं और मनोकामना उनकी पूरी हो ऐसी मैं शुभकामना देता हूं। पर नगर की जनता यहां पर सारे सुख और समृद्धि के साथ रहे, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो, नगर सर्वमुखी विकास करे, हर दिशा में तरक्की हो, उनको शिक्षा दीक्षा और स्वास्थ्य मिले, यही शुभकामना मैं देता हूँ। नए वर्ष के शुभ अवसर पर मैं पद्माकर लाल वर्मा और घुट्टू शेर व्यापार मंडल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को, हिंदू मुसलमान भाइयों को एवं समस्त व्यापारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि नया साल सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, पुनः जनपद वासियों को
एवं प्रशासनिक अधिकारियों को मेरी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष 2017 के शुभागमन के अवसर पर अग्रवाल स्टेशन महात्मा आजमगढ़ तरफ से मैं अपने सभी जनपद वासियों, विद्यालय के प्रबंधक गण, रोटरी बंधु, छात्रों को इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशा करता हूं कि यह नव वर्ष आपके जीवन में आरोग्य एवं सुख शांति लेकर आए और आप सभी अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। एक बार पुनः सभी जनपदवासियों को अग्रवाल स्टेशनर्स परिवार की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी नगरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और 17 आते आते पूरे नगरवासियों को हर्ष और उल्लास के साथ भर दे। नगर के सभी लोगों को पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष में उनकी हर वो मनोकामना पूर्ण हो जिनकी वो आकांक्षा रखते हैं। इसी के साथ एक बार पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दिव्यांग जनों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ढेरों योजनाएं चला रही है। इनका लाभ विकलांग जनों तक पहुंचाना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। यह बातें केंद्र सरकार के विकलांग कल्याण विभाग के मुख्य आयुक्त डॉ कमलेश कुमार पांडे ने कही। डॉ पांडे शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल कैंपस में आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। विकलांगजनों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में जागरूक करने के लिए आयोजित इस संगोष्ठी में अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सबको आगे आना चाहिए। संगोष्ठी के बाद मीडियाकर्मियों से हुई बातचीत के दौरान डॉ पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों को स्वावलंबी बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। देखिए, दिव्यांगजनों की आबादी जो है, जो मैंने बताया, करीब 2.68 करोड़ है और जो ये सुविधाएं हैं संपूर्ण समाज के लिए आज के रेट में जो नौकरी है, सरकारी सेवाओं में उनका आरक्षण 3% है, लेकिन यदि कोई अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है तो NHFDC के माध्यम से उनको लोन मिलता है। वो लोन 25 लाख तक के लोन है। वो तो अपना कुछ रोजगार करने के लिए वो प्रोसेस ना करके ले सकता है। ये सारा सिस्टम केंद्र सरकार का ऑनलाइन है, घर बैठे ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। और दूसरा एक है, जो मेंटली चैलेंज लोग हैं उनके लिए एक बीमा की स्कीम है केंद्र सरकार की, निरामय बीमा स्कीम, 1 लाख रुपए की बीमा है। वो उसका प्रीमियम सरकार भरती है। NGO के माध्यम से रजिस्टर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके माध्यम से उनका ये पॉलिसी होता है। बीच में किसी को आवश्यकता पड़ा, यदि कोई इलाज कराना, ऑपरेशन कराना है, तो 1 लाख वो राशि केंद्र सरकार इसके लिए दे सकती है। मुख्य आयुक्त डॉ पांडे के अलावा जीडी ग्लोबल स्कूल परिवार के सदस्यों ने यहां दिव्यांग जनों को सम्मानित भी किया। सभी ने कहा कि ऐसे लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए हमें मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। यदि दिव्यांग जनों तक जानकारी पहुंचेगी तो वे इसका लाभ उठा सकेंगे। स्कीम तो ढेर सारी है, लेकिन इन सारे स्कीम की जानकारी दिव्यांग को हो, अपने अधिकारियों के लिए जागरूक हो, ये हमारा भी कार्य है। अवेयरनेस एक विषय है, इसको हम लेंगे तो इस समस्याओं का समाधान होगा और सुविधाएं वहां तक पहुंचेगी। May this new year be delightful and auspicious for to all of you, my dear friends. Happy New Year! Ajamgarh Dalim Sambhim Vidyalay ke samast parivar ki taraf se Ajamgarh vasiyon ko, pyare bachchon ko, nav varsh ki dher sari shubhkamnaye. Aaiye hum ek sankalp le, hum apne वातावरण को स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाएंगे।
स्वस्थ वातावरण ही हमारा विकास एवं संपन्नता ला सकती है। एक बार पुनः समस्त जनपद वासियों, प्यारे बच्चों, अभिभावकों को नव वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सभी जनपद वासियों को एसएन कॉन्वेंट स्कूल और एसएन इंस्टीट्यूट की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे स्कूल के सभी बच्चों, अभिभावकों तथा जनपद वासियों को नए वर्ष में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और एक बार पुनः हम सभी जनपद वासियों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामना देते हैं। नव वर्ष के अवसर पर मैं अपने विद्यालय के सभी छात्रों, अभिभावकों, अध्यापकों तथा नगर के सभी लोगों को शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि नया साल सबके जीवन में खुशियां लेकर आएगा, आनंद का वर्ष रहेगा, सभी लोग खुशहाल रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको फिर से एक बार शुभकामना देता हूं। जय हिंद। नव वर्ष के शुभ अवसर पर अपने संगठन न्यूनतम वेतन दैनिक वेतन वन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के तरफ से वन विभाग के समस्त कर्मचारियों एवं जनपद वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना दे। May this new year be delightful and auspicious for to all of you, my dear friends. Happy New Year! मैं अपने जिले के समस्त अधिवक्ता भाइयों को नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ। मंडल के समस्त अधिवक्ताओं को भी शुभकामना देता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं भाइयों को भी शुभकामना देता हूँ नव वर्ष की, कि नव वर्ष आए और आपके जीवन को सुखमय बनाए, जो बुराइयाँ थी वो छोड़े और नए वर्ष में सभी अच्छाइयों को आप ग्रहण करें और आपका जीवन सुखमय हो। मैं मेरी यही शुभकामना है इस वर्ष। इस नए साल में सभी प्रदेशवासियों, नगरवासियों, क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों प्लस अपने सभी अभिभावकों और बच्चों को नए साल में ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इस नए आने वाले साल में सभी बच्चे, सभी युवक, सभी नगरवासी, प्रदेशवासी, देशवासी अपने इस नए साल को बहुत अच्छे तरीके से जो है अच्छे कामों को करके आगे बढ़ें। इस नए साल में आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका नया आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाए। मैं नौ वर्ष पे तमाम नगरवासी से लेकर के प्रदेशवासी तक सभी को नए साल की मुबारकबाद देता हूं और ये ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आने वाला नया साल हर देशवासी के लिए एक अच्छा साल साबित हो। और सबसे मैं यही आशा और विश्वास करता हूं कि आपस में एकता बना करके एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए जीवन व्यतीत करें ताकि सभी में अमन चैन बना रहे। मैं सभी को नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं। आने वाला 2017 नव वर्ष सभी जनपदवासियों को, नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को हमारी बहुत बहुत शुभकामना है। आने वाले नए वर्ष में सभी धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग एक साथ मिलकर के इस जनपद की खुशहाली में हाथ बटावें एवं सभी जनपद के सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को मेरी विशेष शुभकामना है कि जनपद के विकास में आप लोग अपनी अहम भूमिका निभाएं और तन मन से लग करके इस जनपद को प्रदेश में एक अहम स्थान दें। यही मेरी शुभकामना है। मेरी तरफ से सभी नगरवासियों को नव वर्ष 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष 2017 आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशहाली लेके आए। नव वर्ष 2017 में नगर को साफ सुथरा रखें और नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। एक बार पुनः समस्त नगरवासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। We'll be right back.
लोकबंधु राज नारायण की 30वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को तमसा प्रेस क्लब में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी का विषय था नोटबंदी एवं कालाधन के संदर्भ में लोकतंत्र का आंतरिक संकट। परिचर्चा को प्रारंभ करते हुए जुल्फिकार बेग ने कहा कि आज नोटबंदी के कारण उद्योग धंधे और कारखाने बंद हो गए हैं। ज्ञान प्रकाश दुबे ने कहा कि आज राज नारायण जी की कमी महसूस हो रही है। अंबारी डिग्री कॉलेज से आए उदय भान यादव ने गोष्ठी में कहा कि नोटबंदी के कारण लोकतंत्र पर संकट खड़ा हो गया है। इस अवसर पर वक्ताओं ने राज नारायण जी को शिद्दत से याद करते हुए लोकतंत्र के खतरे की ओर इंगित किया। कहा कि वर्तमान सरकार लोकतांत्रिक संगठनों को नष्ट करती जा रही है, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संगठनों को धीरे धीरे राजनीतिकरण किया जा रहा है। गोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर बद्रीनाथ व संचालन विजय बहादुर राय ने किया। May this new year be delightful and auspicious for to all of you, my dear friends. Happy New Year! इस नए साल पर 2017 में सभी नगरवासियों, क्षेत्रवासियों, अपने अभिभावकों, प्यारे बच्चों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि नया आने वाला साल आप लोगों के जीवन का मंगलमय हो और इस नए साल में सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से जो है पढ़ाई करें और अच्छे से पास हों और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करें। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से नव वर्ष 2017 की पूर्व संध्या पर अपने स्कूल के सभी बच्चों, अभिभावक बंधुओं, स्टाफ एवं साथ ही साथ जनपदवासियों को नए वर्ष के शुभागमन पर आप सबका स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। साथ ही आप सबको इस बात का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग 2017 में अपने बनाए कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़े और आप सबसे इस आशीर्वाद की कामना भी करता हूं कि आपके साथ मैं भी कदम से कदम मिलाकर 2017 में सही ढंग से अपने कार्य को कर सकूं। नव वर्ष 2017 समस्त जनपदवासियों को हार्दिक बधाई। नव वर्ष सबके जीवन में मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ मैं समस्त नगरवासियों, जनपदवासियों, समस्त गणमान्य व्यक्तियों को बधाई देता हूँ। नव वर्ष की इस जनपद के मंडल के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, किसान भाइयों, मजदूरों, संविदा पर कार्य करने वाले सभी भाई और बहनों, सबको, हिंदू और मुसलमानों को 2017 नए वर्ष पर बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं और चाहता हूं कि सभी लोग एक साथ मिलकर नए वर्ष मनाएं और भाईचारा कायम रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष पर। इस नव वर्ष पर मैं अपने देशवासियों, प्रदेशवासियों और जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। यह अपने जीवन को सुखी बनाएं, यही हमारी आकांक्षा है। मैं सभी लोगों को हृदय से मंगल कामना करता हूं कि उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो अपने विचारों से, जिससे कि वह देश को एक अच्छा देश, एक अच्छा राष्ट्र, अच्छा मानव पैदा करने का विचार कर। May this new year be delightful and auspicious for to all of you, my dear friends. Happy New Year! नए वर्ष के शुभकामना पूरे अपने व्यापारियों को, नगर के सभी सभ्रांत नागरिक और आम जनता सभी को जो है इस वर्ष की जो है सन 2017 की ढेर सी शुभकामना और बधाइयां। नया वर्ष सबका मंगलमय है। सभी व्यापारियों की ढेर सी शुभकामना करते हैं कि वर्ष अच्छा बीते और बढ़िया बीते और सब लोग भाईचारे से पूरे वर्ष मंगलमय रहे।
जनपद के सभी नागरिकों का नूतन वर्ष अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत। नया साल आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आए और हम आप सब लोग मिलकर के इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर और आगे ले जाएं, यही मेरी मंगल कामना है। जय हिंद। नव वर्ष के अवसर पर जनपद के समस्त शिक्षकों, शिक्षार्थियों, अभिभावकों को नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नूतन वर्ष 2017 के शुभ अवसर पर समस्त नगरवासियों, जनपदवासियों, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल एवं पीआरडी जवानों को शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाइयां। नव वर्ष 2017 सारी ढेर खुशियां लेकर आवे, यह मेरी शुभकामना है। सभी जनपदवासियों एवं कैश बंधुओं को नव वर्ष पर हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना। नव वर्ष मंगलमय हो सभी का। पुनः हम एक बार आने वाले नए साल की शुभकामना देते हैं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।